नमस्कार दोस्तों, तमाम हाल कैसन है। स्वागत है आपका मालवा डायरी में। और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली एक बहुत ही मधुर बोली, जिसे हम बुंदेली या बुंदेलखंडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बुंदेली संस्कृत परिवार की एक पुत्री है, जिसका निकट संबंध आज की मानक हिंदी से है। यह शोरसेनी प्राकृत की एक अपभ्रंश भाषा है। प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने इसे पश्चिमी हिंदी भाषा समूह की एक भाषा कहा है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा और कन्नौजी भी आती है। इस भाषा के क्षेत्र की बात करें तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि मुख्यतया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा से जुड़ा इलाका है, जिसकी सीमा उत्तर में यमुना, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में चंबल नदी तक है, यानी चार नदियों के बीच का एक भूभाग। उत्तर प्रदेश में यह बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, उरई में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में यह भोपाल, ग्वालियर, ओरछा, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, दमोह, कटनी, जबलपुर, महोबा, छतरपुर, विदिशा में बोली तथा समझी जाती है। अगर आपके क्षेत्र में बोली जाती हो और उसका नाम छूट गया हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। बुंदेलखंड में बुंदेला राजाओं का राज रहा। यह महाराजा छत्रसाल के क्षेत्र की एक प्रमुख बोली थी। बुंदेली भाषा के बोलने वालों की संख्या आज 1 करोड़ के आसपास है। बुंदेली को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मानक बुंदेली, दूसरा उत्तर पूर्वी बुंदेली, तीसरा उत्तर पश्चिमी बुंदेली तथा चौथा दक्षिणी बुंदेली। बुंदेली भाषा के सौंदर्य की बात करें तो यह बहुत ही मधुर बोली है, जिसमें एक नखरा और अपनापन है। खड़ी बोली या आज बोली जाने वाली मानक हिंदी से बुंदेली को आप एक बार सुनकर ही इसके उच्चारण, ध्वनि तथा क्रिया के आधार पर आप अंतर समझ सकते हैं। आज की हिंदी या खड़ी बोली में जहां शब्दों के उच्चारण में एक रुकाव आता है, जैसे सुन लिया, कर लिया, वहीं बुंदेली में रुकाव की जगह बहाव या एक खिंचाव है, जो कि इस भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देता है, जैसे सुन लई, कर लई। बुंदेली भाषा में हमारी को हमाई, तुम्हारे को तुमाओ, हमको हमऊ, जिसको जौन, दी को दई, नाम को नाओ, कुछ को कछऊ, रहे को रय, यह को ये, आ गए को आगो, रहा है को रव बोलते हैं। बुंदेली पूरे बुंदेलखंड में एक जैसी नहीं बोली जाती। यह अपने सीमावर्ती क्षेत्र में जिस भाषाई क्षेत्र से मिलती है, इस पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे उत्तर में ब्रज भाषा व कन्नौजी का, दक्षिण में मराठी का, पूर्व में अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी का तथा पश्चिम में मालवी तथा निमाड़ी का प्रभाव पड़ता है। बुंदेली के ऐतिहासिक प्रमाण हमें आल्हा खंड नामक महाकाव्य में मिलते हैं। बुंदेली के सबसे बड़े नामों में महाकवि केशवदास या केशवदास का नाम है। पद्माकर भट्ट और प्रांजसेन ने 19वीं सदी में इस भाषा में उल्लेखनीय काम किया है। राजा छत्रसाल के समय प्राणनाथ और लाल कवि ने बुंदेली साहित्य में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दोस्तों, आज की हिंदी को बनाते समय इसमें से बुंदेली, ब्रज भाषा व अवधी के इस नखरे या बहाव भरे सौंदर्य को निकाल देने के बाद हिंदी सिर्फ एक गद्य प्रधान भाषा ही रह गई है।
काव्य की मधुरता और सौंदर्य इसमें से कम हो गया है। लोक भाषा का नखरा वो अपनापन इसमें से कम हो गया, इसलिए हिंदी काव्य भी गद्य के समान ही लगता है। माफ कीजिएगा सभी हिंदी काव्य प्रेमी तथा इसके कवियों, परंतु इस विशेषता ने हिंदी को गूढ़ से गूढ़, जटिल से जटिल विषय को समझाने वाली वैज्ञानिक भाषा बना दिया है। जैसा कि आप विज्ञान को हिंदी में उतना ही अच्छे से समझ सकते हैं जितना अंग्रेजी को जानने वाला इसे अंग्रेजी में समझ सकता है। आप उर्दू में कभी विज्ञान या साइंस पढ़ के देखिए, कितना मजाकिया लगता है। उर्दू के साथ बुंदेली, बघेली, अवध, ब्रज भाषा ये सब काव्य की भाषा है तथा हिंदी क्लिष्ट गद्य की भाषा है। तो दोस्तों, यह था बुंदेली का मालवा डायरी की तरफ से एक परिचय। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।